सो गाइस, आपको तो पता ही है कि अब इंडिया में पबजी को पूरी तरीके से बैन कर लिया गया है। अब आप पबजी को ओपन करोगे तो आप बिल्कुल नहीं खेल पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने पीसी, डेस्कटॉप या लैपटॉप में ट्राई करोगे तो आप स्मूथली तरीके से पबजी को वैसे ही खेल पाओगे जैसा आप पहले खेलते थे। पबजी को केवल मोबाइल पे ही बैन किया गया है। जो पबजी मोबाइल लाइट और पबजी मोबाइल है उनको ही बैन किया है, क्योंकि दोस्तों ये जो मोबाइल और मोबाइल लाइट है वो चाइना की कंपनी ने डायरेक्ट किया है, जिसका नाम है टेंसेंट। इसी के लिए जो पबजी है उसको बैन करना पड़ा, क्योंकि इंडिया है, भारत किसी भी हाल में चाइना की किसी भी कंपनी को भारत में नहीं लेना चाहता है। इसलिए उन्होंने पबजी पर बैन किया है, क्योंकि उनका जो टेंसेंट कंपनी है उसका नाम पबजी में आया है इसलिए। लेकिन दोस्तों, अब पबजी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। उनका कहना है कि दोस्तों, पबजी पर बैन लगने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हम इस नुकसान को सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम चीन की जो कंपनी है टेंसेंट उसको रिमूव करना चाहते हैं पबजी से, और उसका जो मोबाइल वर्जन है वो कुछ हम सी डायरेक्ट करेंगे नए वर्जन की तरफ से, और उस जो चाइना की कंपनी है उससे जो टेंसेंट कंपनी है वो खरीदेंगे। इसलिए दोस्तों, अब वो कहना चाहते हैं कि हम उस कंपनी को खरीदेंगे और फिर हमारी तरफ से उस पबजी को लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है, अगर हम टिकटॉक को कोई दूसरा है, जैसे टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट खरीदता है और ख़रीदकर अब लॉन्च करता है भारत में, तो इसी तरह हम उसको कह सकते हैं कि ये चाइनीज़ नहीं है, और हम इसको आसानी से टिकटॉक को भी चला सकते हैं। उसी तरह दोस्तों, जो कोरिया है वो भी चाइना की कंपनी को खरीदता है, जो कि है टेंसेंट, और उसको खरीद के उसके बाद इंडिया में लॉन्च करेगा, जिससे इंडिया वालों को काफ़ी परेशानी नहीं होगी और वो आसानी से इसको प्ले करने की दे सकते हैं परमिशन। तो अब हम कह सकते हैं कि पबजी कभी भी वापस आ सकता है। पबजी बैन हो तो गया है, लेकिन उसको कभी भी कोरिया वाले खरीद सकते हैं और ख़रीद कर वो लॉन्च कर सकते हैं इंडिया में वापस। तो यही थी दोस्तों न्यूज़। अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।